इसे कहते हैं शेरों वाली एंट्री। जी हाँ, जिस तरह से पवन सिंह अपने गाने आरा वाले में एंट्री ले रहे, भाई मानना पड़ेगा। जिस तरह का स्टेज है, मानना पड़ेगा। और जिस तरह की महंगी गाड़ियाँ यूज़ की गई हैं, जिस तरह से डांसर यूज़ किए गए हैं, विदेशी और देशी दोनों, तो उसे देखकर आप ये कह सकते हैं कि आरा वाला गाना पवन सिंह ने अपने शान के लिए ज़रूर बनाया। जी हाँ, आपको बता दें कि इस गाने को लेकर सभी जानते हैं कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, और सभी ने देखा कि खेसारी लाल यादव का गाना जो कि आरा में दोबारा फिर ऐबुना वाला जो था, और आरा दोनों कितने सेम लिरिक्स वाले थे, उसे खेसारी लाल यादव ने जल्दी ऑडियो वीडियो दोनों बहुत जल्दी रिलीज़, लेकिन पवन सिंह ने समय लिया और जब उसका वीडियो लेकर आए तो तहलका मच चुका है। जी हाँ, इसके ट्रीज़र ने ही कमाल दिखाया और 1 मिलियन एक दिन में क्रॉस किया। और अब इसके फुल गाने की बात करते हैं जनाब। बहुत ही खूबसूरत गाना है वाकई। अगर आप इस गाने के फुल 2 पिक्चराइजेशन पर देखेंगे तो शायद आप सिर्फ उसे देखते ही रह जाएंगे। एक बार गाने के बोल पर भी आपका ध्यान नहीं जाएगा, सिर्फ पवन सिंह की मूवमेंट, पवन सिंह का रिवॉल्वर निकालना, पवन सिंह का बैठना, पवन सिंह का डांस करना, पवन सिंह का पैसे उड़ाना, पवन सिंह की एंट्री, सब कुछ पर आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और आप एक पल के लिए गाना भूल जाएंगे। फिर आप अगर दोबारा गाना सुनेंगे तब आपका ध्यान लिरिक्स पर जाएगा, क्योंकि इसे इतने बेहतरीन ढंग से पिक्चराइज किया गया है कि आप सचमुच मेस्मराइज हो जाएंगे ये गाना देखने के बाद। इस गाने ने भोजपुरी का लेवल एक क्लास नहीं, दो क्लास नहीं, बल्कि बहुत ही ऊपर किया है और A1 क्वालिटी का गाना बना हुआ है। पवन सिंह ने आखिरकार ये बता दिया कि जब वो क्रिएटिव करने पर उतरते हैं तो कितने बेहतरीन ढंग से करते हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब भोजपुरी में कुछ नया और बहुत हटके कर रहे हैं पवन सिंह। इसके पहले भी उन्होंने कई कारनामे किए थे, लेकिन ये गाना पवन सिंह के आन बान शान का विषय बना हुआ था। अब ऐसे में जब ये गाना आ चुका है तो पवन सिंह के दुश्मनों के रातों की नींद तो उड़ ही चुकी है। वैसे ये गाना सभी को बहुत पसंद आया है और इस गाने पर बड़ी ही तेजी से रील भी बन रही है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।